अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफिन फूडी। टिफिन फूडी में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज। इन्फॉर्मेटिव मैसेज है सैनिटाइजर के बारे में। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ, बहुत आसान सी रेसिपी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमें कोरोना के वायरस से, हमें और हमारी फैमिली को सेव रख सकता है। तो प्लीज़ इसे अपनी पॉकेट्स में, अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लेके इसको हाथों पे अच्छी तरह से मल लेना है और इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे आसानी से मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफिन फूडी। टिफिन फूडी में आज हम आपको एक ज़बरदस्त डिज़र्ट, खुबानी का मीठा बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है खुबानी। खुबानी को रात भर भिगो कर उसका पानी स्टेन कर लिया। दूध, कस्टर्ड, चीनी, बादाम, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पैन, इसमें हम डालेंगे खुबानी जो कि रात भर सॉफ्ट की हुई थी। इसी पानी में ही हमने इसको पकाना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से गल जाएगी तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये जैसे जैसे पक रहा है पानी छोड़ता जा रहा है, हमने इसी पानी में ही पकाना है इसको। और इसमें अब मैंने चीनी डाली है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिसमें हमने सॉफ्ट किया हुआ था उसी पानी में हम इसको पका रहे हैं, हमने इजाफी पानी नहीं ऐड करना। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर। चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया है, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे खुबानी, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलें शुरू करते हैं हम अपनी कस्टर्ड की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे दूध, दूध डालेंगे इसमें। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने इतनी डालनी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने खुबानी में ऑलरेडी चीनी डाली हुई है, उस हिसाब से डालेंगे। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हमने डायरेक्ट नहीं डालना, इसमें थोड़ा सा दूध या पानी हम मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फिर हम वही मिक्सचर इसमें डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ और साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ, ये ज़रूरी है। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड डाल दिया और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने सिर्फ पकाना है। और जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हम इसको उतार देंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। ये देखिए, चलें अब हम अपना लास्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर खुबानी को भी मैंने ठंडा कर लिया अच्छी तरह से और कस्टर्ड को भी। तो नीचे हम एक खुबानी की लेयर डालेंगे। खुबानी आप अपनी मर्जी से जितनी भी आप इसको लेयर्स में देना चाह रहे हैं वो उतनी दे सकते हैं। देखें खुबानी की लेयर लगा ली है, अब मैं इसके ऊपर बादाम की एक लेयर दे दूंगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड, ठंडा किया हुआ कस्टर्ड। अगर कस्टर्ड को आप ज्यादा लाइक कर रहे हैं तो आप कस्टर्ड की लेयर को ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम लेयरिंग कर लेंगे। लीजिए जबरदस्त डिजर्ट खुबानी का मीठा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसे बनाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।